I am so excited today. Why Puddy, you might ask. Kyunki हम सभी की मोस्ट एंटिसिपेटेड वाइफू द वन एंड ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ स्पिना डी रोसुला मिस नाविया रिलीज हो चुकी है और अब हम सारे यूनाइट होके नाविया के लिए सिंप कर सकते हैं. लेट्स गो. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नाविया, उसके प्लेस्टाइल, उसके टैलेंट्स, उसके टीम सिनर्जीज, उसके वेपन्स, उसके आर्टिफैक्ट्स और थोड़ा बहुत उसके कॉन्स्टिलेशंस के बारे में. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके प्लेस्टाइल के बारे में. नाविया एक 5-star जियो डीपीएस यूनिट है जिसको आप एज ए सब डीपीएस भी यूज कर सकते हैं और इसे ऑन फील्ड मेन डीपीएस की तरह भी खिला सकते हैं. और डिपेंडिंग अपॉन आप इसको कैसे खिलाना चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप इसके टैलेंट्स अपग्रेड करते हैं. तो कंटिन्यू करते हैं इसके टैलेंट्स के बारे में. सबसे पहले मैं नाविया की सबसे इंपॉर्टेंट या कोर एबिलिटी के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि इसकी एलिमेंटल स्किल ई होने वाली है. इस एलिमेंटल स्किल के दो वेरिएंट हैं, टैप एंड होल्ड वेरिएंट. जब आप इसका टैप वाला वेरिएंट यूज करते हैं तब ये नियर बाय एनिमीज को ऑटो एम करके अपने गम्ब्रेला से शूट करती है जो कि मीडियम से क्लोज रेंज में शॉटगन की तरह हिट करते हैं एनिमीज को. और इनका पेनिट्रेशन भी होता है तो एक के पीछे एक एनिमी होंगे तो भी पेनिट्रेट होकर इसका डैमेज जाएगा सारे एनिमीज को. काफी सॉलिड एओई डैमेज है इसका अगर आप इसे क्लोज रेंज में यूज करते हैं. मीनवाइल अगर आप इसका होल्ड वाला वेरिएंट यूज करते हैं तो आपको एम करने का भी मौका मिलता है अपनी एलिमेंटल स्किल पे और आप टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप शूट करना चाहते हैं अपनी एबिलिटी. साथ ही साथ इसकी एलिमेंटल स्किल जो क्रिस्टलाइज रिएक्शन से शार्ट्स जनरेट होते हैं उनको सारा सक इन भी कर लेती है और स्ट्रैक जनरेट करती है नाविया के लिए उसको बफ देने के लिए. अब ये बफ काम कैसे करता है, जब भी आपकी पार्टी में कोई कैरेक्टर क्रिस्टलाइज रिएक्शन को ट्रिगर करता है और क्रिस्टल शार्ट्स क्रिएट होते हैं तो जब भी आपकी पार्टी का कैरेक्टर जब उन शार्ट्स को कलेक्ट करेगा तो नाविया एक क्रिस्टल शार्पनल स्टैक जनरेट करती है. मैक्सिमम ये 6 स्टैक जनरेट कर सकती है क्रिस्टल शार्पनल के. और जब भी आप इसका एलिमेंटल स्किल एक बार यूज करेंगे तो इसके स्टैक रीसेट हो जाते हैं. इस स्टैक से होता क्या है, इस स्टैक से नाविया को बफ मिलता है. कैसे बफ मिलता है, लेट्स से आपने अपने पार्टी मेंबर्स के थ्रू ऑल 6 शार्ट्स कलेक्ट कर लिए हैं, स्टैक कर लिए हैं. अब इससे होगा क्या, जो फर्स्ट 3 स्टैक हो रखे होंगे आपके शार्ट उससे आपको अपने गम्ब्रेला के शॉट्स में डैमेज बूस्ट मिलेगा 200% तक. टोटल 11 शार्ट शॉट स्ट्राइक्स होंगे उस पे. अगर वो 11 की 11 सिंगल टारगेट एनिमी पे हिट कर रही है तो आपको 200% डैमेज बोनस मिलेगा. अब आप जानना चाह रहे होंगे कि लास्ट के 3 स्टैक्स का क्या हुआ क्योंकि हमने तो 6 कलेक्ट कर रखे थे. ये लास्ट के जो 3 स्टैक है वो आपको एडिशनल डैमेज बोनस देते हैं बाय 15% ऑन ईच स्टैक. तो ज्यादा से ज्यादा 45% और डैमेज बूस्ट हो रहा है यहाँ से आपके गम्ब्रेला पे. तो 200% आपको फर्स्ट 3 स्टैक से मिलता है अपने और उसके बाद लास्ट के 3 स्टैक से 45% का थोड़ा सा और डैमेज बूस्ट मिलता है जब आप 6 के 6 स्टैक्स एक साथ यूज करते हैं अपने गम्ब्रेला का. और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये ओसी अलाइंड होती है तो जब आप इसका चार्ज अटैक यूज करते हैं आप काफी जगह पे इसके ओसी अलाइनमेंट होने का फायदा उठा सकते हैं. फाउंटेन के कुछ एनिमीज को डीबफ कर सकते हैं इसके थ्रू. और जैसा कि आप देख ही सकते हैं इसके एलिमेंटल स्किल का काफी ज्यादा हाई स्केलिंग है और मोस्ट केसेस में आपको कोशिश करनी है इसकी एटलीस्ट 3 स्टैक करने के बाद इसको शूट करने की. 6 कर सकते हैं तो और भी अच्छा है लेकिन एटलीस्ट 3 स्टैक जनरेट करने के बाद ही इसकी एलिमेंटल स्किल को शूट कीजिए. एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि नाविया की एलिमेंटल स्किल काफी सारे जियो पार्टिकल्स भी जनरेट करती है और इसकी एलिमेंटल स्किल आप 2 बार भी यूज कर सकते हैं. तो मोस्ट केसेस में नाविया में आपको एनर्जी रिचार्ज का इशू नहीं होगा अगर आप इसके पार्टिकल सही से इस पे फनल कर रहे हैं. नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ नाविया के नॉर्मल अटैक्स के बारे में. इसका डैमेज ठीक ठाक है लेकिन नाविया के एसेंशन 4 पैसिव की वजह से जो इसके नॉर्मल अटैक्स को जियो अटैक्स में कन्वर्ट कर देता है, ओवरराइड कर देता है, उसकी वजह से इसके नॉर्मल अटैक सडनली काफी अच्छे बन जाते हैं जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इसे एज ए ऑन फील्ड मेन डीपीएस यूज करना चाहते हैं तो इसके नॉर्मल अटैक्स को भी जरूर अपग्रेड कीजिए. पर ध्यान रखना एसेंशन 4 पैसिव जो इसका है आपके नॉर्मल अटैक को जियो अटैक्स में कन्वर्ट करता है 4 सेकंड्स के लिए, वो भी जब आप अपनी एलिमेंटल स्किल यूज करते हैं उसके बाद. तो ऑलमोस्ट हमेशा आपको अपनी एलिमेंटल स्किल के बाद ही नॉर्मल अटैक करना है, वो भी 4 सेकंड के लिए करना है. उसके बाद आप स्वैप कर सकते हैं, अपनी टीम की रोटेशंस कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा नाविया के एलिमेंटल बर्स्ट के बारे में. अपने आप में ये एलिमेंटल बर्स्ट कुछ ज्यादा डैमेज नहीं देता है लेकिन ये एक कैनन समन करता है जो कि हर 2.4 सेकंड में एक बार शूट करती है और जब भी इस कैनन से एनिमी हिट होता है तो ये एक स्टैक जनरेट करती है आपके लिए जिससे आपकी एलिमेंटल स्किल बफ होती है. तो इसका बर्स्ट मोस्टली आपको एलिमेंटल स्किल के स्टैक जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा आपकी, जो शार्ट्स के स्टैक जनरेट करते थे आप वो वाले स्टैक्स की बात कर रहा हूँ. और एक और चीज, इस एलिमेंटल बर्स्ट को यूज करने के बाद आपको एनिमी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना पड़ेगा क्योंकि ये एलिमेंटल
एलिमेंटल बस्ट आपको फॉलो करता है, और अगर आप एनिमी के क्लोज नहीं है तो आप काफी सारे हिट मिस कर सकते हैं अपने एलिमेंटल बस्ट के, जिससे आपके स्टैक्स नहीं जनरेट होंगे। और अकॉर्डिंग टू माई टेस्टिंग मल्टी टारगेट सिचुएशन में आप 6 के 6 स्टैक जनरेट कर सकते हैं इससे, वाइल सिंगल टारगेट सिचुएशन में मैं तो 5 स्टैक तक ही जनरेट कर पा रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पैसिव्स के बारे में। फर्स्ट पैसिव के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एसेंशन 4 पैसिव है जो इसका नॉर्मल अटैक को जियो अटैक्स पे कन्वर्ट कर देता है 4 सेकंड्स के लिए एलिमेंटल स्किल के बाद। साथ ही साथ प्लंजिंग अटैक का डैमेज भी 40% इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट आते हैं इसके सेकंड पैसिव पे, जो कि है म्यूचुअल असिस्टेंस नेटवर्क। इससे होता क्या है, अगर आपकी टीम में कोई भी पायरो, इलेक्ट्रो, क्रायो या हाइड्रो में से कोई कैरेक्टर यूज हो रहा है तो नाविया का अटैक 20% इंक्रीज हो जाता है। इसके मैक्सिमम 2 स्टैक हो सकते हैं, तो मोस्ट टीम्स पे आपको ट्राई करना है इन 4 में से कोई 2 एलिमेंट्स आपकी टीम में हो जो आप नाविया का मैक्सिमाइज कर सकें डैमेज। बात करते हैं टैलेंट प्रायोरिटीज के बारे में। अगर आप इसको मेन डीपीएस के तौर पे यूज कर रहे हैं तो इसका एलिमेंटल स्किल सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहेगी, उसके बाद इसका नॉर्मल अटैक आपकी प्रायोरिटी माना चाहिए, और उसके बाद एलिमेंटल बस्ट जो कि सिर्फ स्टैक जनरेट करने के लिए यूज होता है। पर अगर आप इसे क्विक स्वैप टीम्स में यूज कर रहे हैं तो आप अपनी एलिमेंटल स्किल के बाद इसका एलिमेंटल बस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं और नॉर्मल अटैक को पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके कॉन्स्टेलेशंस के बारे में, तो नाविया C0 में एक पूरी कंप्लीट यूनिट है, लेकिन अगर आप इसके कॉन्स्टेलेशंस के लिए जाना चाहते हैं तो इसका C2 एंड C6 काफी अच्छे कॉन्स्टेलेशन है। C2 जहां पे इसको काफी ज्यादा क्रिट रेट देता है, और C6 इसके एलिमेंटल स्किल का क्रिट डैमेज इंक्रीज करता है, जिससे इसके एलिमेंटल स्किल का ओवरऑल डैमेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब मैं बात करना चाहूंगा आर्टिफैक्ट सेट्स के बारे में। 4 पीस नाइट टाइम विस्पर्स का आर्टिफैक्ट सेट आ रखा है जो न्यू, वो इसका बेस्ट इन स्लॉट आर्टिफैक्ट सेट होने वाला है। पर नाविया के काफी सारे और भी आर्टिफैक्ट सेट हैं जो आप दे सकते हैं, और आप इतना परफॉर्मेंस लूज नहीं करेंगे इसका जितना आप सोच रहे होंगे। अगर आप नाविया को फुरीना की टीम में रन कर रहे हैं और 4 पीस मारे चौसे हंटर का सेट यूज कर रहे हैं, तो ये कई बार इसके बेस्ट इन स्लॉट आर्टिफैक्ट सेट को बीट भी कर सकता है। पर एक चीज का ध्यान रखना, ये 4 पीस मारे चौसे का सेट है जो तभी अच्छा काम करता है, सिर्फ और सिर्फ तभी अच्छा काम करता है जब आपकी टीम में फुरीना भी रन हो रही होती है, जो आपका कंसिस्टेंटली एचपी मैनिपुलेट कर रही होती है। और साथ ही साथ आपको उस टीम में एक हीलर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि फुरीना एचपी ड्रेन कर रही होगी आपका, आप एचपी मैनिपुलेशन के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको मोस्ट पफ्स मिलते हैं इस सेट के। आप इस पे 4 पीस गोल्डन ट्रूप का सेट भी दे सकते हैं अगर आपके पास वो पड़ा है तो, वरना आप 2 पीस के सेट भी लगा सकते हैं। मोस्टली आप डैमेज में इतना ज्यादा लूज नहीं करेंगे, तो जो इसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जिस भी सेट को आप लगा सकते हैं वही सेट लगाइए। रफ आइडिया होपफुली आपने मेरी लिस्ट से ले ही लिया होगा। अब अगर मैं बात करूं आर्टिफैक्ट्स के सबस्टैट्स के बारे में, जैसा कि हम सबको पता ही है नाविया का कोई भी स्प्लिट स्केलिंग नहीं है, तो काफी स्टैंडर्ड डीपीएस रूट फॉलो करेगी, जहां पे आपको क्रिट रेशियो मेंटेन करना होगा अपना, अटैक परसेंटेज देना होगा इसको, और साथ ही साथ ईआर रिक्वायरमेंट मीट करवाना होगा, जो कि इसका बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तो सैंड्स की बात करूं अगर मैं, अटैक परसेंटेज का आ जाएगा, गॉबलेट में जियो डैमेज परसेंट, सर्कुलेट में रेशियो मेंटेन कीजिए अपने क्रिट का, एंड सबस्टैट्स में आप क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, अटैक परसेंटेज, एनर्जी रिचार्ज और फ्लैट अटैक के लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नाविया की एलिमेंटल स्किल आप 2 बार यूज कर सकते हैं, जो कि इसके लिए पार्टिकल्स भी जनरेट करती है, और इसके एलिमेंटल वेस्ट का बहुत ज्यादा एनर्जी कॉस्ट भी नहीं है। उसी रीजन की वजह से मोस्ट केसेस में आपकी नाविया का एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी लो रहेगा, एज लो एज 120 ईआर के साथ नाविया को आप एक और जियो कैरेक्टर के साथ रन कर सकते हैं, और अगर आप सोलो जियो नाविया को यूज करते हैं किसी टीम में तो अराउंड 150 ईआर आप इसका रख सकते हैं। बात करते हैं नाविया के वेपन के बारे में। सबसे पहले कुछ फ्री टू प्ले वेपन्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। अल्टीमेट ओवरलॉर्ड्स मेगा मैजिक स्वॉर्ड इसका बेस्ट इन स्लॉट फ्री टू प्ले वेपन होने वाला है। ये वेपन आप 4.3 में एक इवेंट को कंप्लीट करके क्लेम कर सकते हैं। इस वेपन से आपको ईआर मेन स्टैट मिलता है और काफी सारा अटैक बफ मिलता है पैसिव के थ्रू वेपन के। टाइडल शेडो इसका काफी क्लोज कॉम्पिटेटर है, सेकंड बेस्ट इन स्लॉट फ्री टू प्ले वेपन आता है इसका। बात करूं अगर मैं इसके बेस्ट इन स्लॉट वेपन के बारे में, तो द वर्डिक जो इसका सिग्नेचर वेपन है वो इसका बेस्ट इन स्लॉट वेपन होने वाला है, जो कि करंटली बैनर बेस के साथ साथ आ ही रखा है। इस वेपन का पैसिव एलिमेंटल स्किल और अटैक बफ देता है आपको, जो कि बोथ नाविया के लिए बहुत अच्छे हैं। ऊपर दिखाई प्रायोरिटी लिस्ट से होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा वेपन आप लगा सकते हैं अपनी नाविया पे। अब फाइनली मैं बात करना चाहूंगा नाविया की टीम सिनर्जीज के बारे में। नाविया का यूटिलिटी सेट और उसके पैसिव्स की वजह से नाविया कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल कैरेक्टर है। इसकी वजह से इसकी काफी सारी टीम्स बिल्ड हो सकती हैं और काफी फ्री टू प्ले फ्रेंडली टीम्स हैं ये सारी की सारी। नाविया की टीम बिल्डिंग के वक्त आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि डबल जियो से आपको रेजोनेंस का फायदा उठाने की मोस्ट केसेस में कोशिश करनी है। इसमें लास्ट के 2 स्लॉट बिल्कुल फ्लेक्स होने वाले हैं। इन 2 स्लॉट्स में आपको कोई ऐसे कैरेक्टर्स यूज करने की जरूरत है जो ऑफ फील्ड रह के भी कंसिस्टेंटली क्रिस्टलाइज ट्रिगर करवा सकें, जिससे आपके एलिमेंटल शार्ट्स क्रिएट हो सकें। तो सबसे प्रीमियर 2 स्लॉट यहाँ पे जांगलिंग और पुकी शिनोबू का आता है। पुकी शिनोबू की जगह आप फिशल भी लगा सकते हैं या फिर आप पैनिट भी लगा सकते हैं, और जांगलिंग की जगह आप फुरीना भी डाल सकते हैं। फुरीना और नाविया की टीम काफी अच्छी सिनर्जी में होती है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपको एक हीलर की जरूरत होती है इस टीम में, जो कि पैनेट काम कर ही देगा यहाँ। तो टीम्स यहाँ पे काफी सारी हो सकती हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है आप टेंड्रो और एनिमो ना यूज करें, क्योंकि उससे पैसिव ट्रिगर नहीं होता नाविया का और आप वहाँ पे डैमेज लूज कर सकते हैं। फाइनली गाइज वीडियो को खत्म करने का समय आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मैं डेली यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। Peace.